Assalamu alaikum, this is Sayyida Kashmala, Advocate High Court, Founder and Foundation. Today we are going to talk about harassment. अक्सर औकात हम किसी बड़े मजमे में जाते हैं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है. हरासमेंट का मतलब कोई अनरिक्वायर्ड टच ही नहीं बल्कि बहुत से नाजेब अल्फाज या फिर कोई ऐसी कही गई बात जो कि एक लड़की के लिए नामुनासिब है, वो सब हरासमेंट के अंदर आते हैं. क्या इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? तो यस, बिल्कुल इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है. ये एक्शन आप पीपीसी के 509 के अंडर लेंगे. अंडर सेक्शन 509 ऑफ पीपीसी, एनी अनवांटेड ग्लांस, टच और वर्ड्स कैन बी पिनलाइज्ड. इसकी सज़ा है, इसकी सज़ा 3 साल कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी है. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ये राइट जानें, क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से कि वो ये जानते ही नहीं कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं. लेकिन कानून में इसकी एक सरही सज़ा है. आपको ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकती हैं और एक्शन ले सकती हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जब आप बर्दाश्त करती हैं तो अगले इंसान को ये मौका देती हैं कि वो आपके साथ साथ और बहुत से लोगों को नुकसान पहुँचाएँ या उनके लिए भी इसी तरह के नाज़ेबा अल्फाज या हरकत करें. सो अपना राइट लें, अपना हक लें और किसी को ऐसा मौका ना दें कि वो दोबारा किसी और के साथ ऐसी गलती करे.